नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर है। अब पिछले कुछ दिनों से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर काफी चर्चा किया जा रहा है और इसी बीच इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंपनीज की तरफ से भी अपने अपने तरीके से भारत को अपने अपने फाइटर जेट को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। अभी तक इसमें जो मेन कॉम्पिटिशन रहा है वो फ्रेंच ओरिजिन राफेल और यूएस की F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच रहा था। हालांकि अभी इसमें F-15EX को और SU-35 को भी रशिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पिछली बार की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में राफेल के साथ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्वालिफाई करने वाला एयरक्राफ्ट यानी कि यूरोफाइटर की तरफ से अपना रिस्पांस नहीं दिया गया। कल इसको लेकर द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था जिसमें बताया गया था कि MMRC टेंडर में अभी यूरोफाइटर शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन आज पता चला है कि अभी तक यूरोफाइटर की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इशू किए गए RFP को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, लेकिन अभी वो इसको रिस्पॉन्ड करने वाले यानी कि ऑफिशियली इसमें बिड्स करने वाले हैं। वैसे यूरोफाइटर को ये विश्वास है कि वो इस बार भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में फिट होने वाले और टेक्निकल इवोल्यूशन में सफल होने वाले, लेकिन इस बार यूरोफाइटर इस टेंडर को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है और इस वजह से वो बहुत ही कम्पिटेटिवली अपनी बिड को यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं और इस वजह से यूरोफाइटर की तरफ से अभी तक अपना बिड सबमिट नहीं किया गया। पिछली बार भी राफेल और फाइटर आखिरी राउंड में चले गए थे जहां पर एक स्मॉल मार्जिन की वजह से डसॉल्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, लेकिन अभी इस बार यूरोफाइटर अपने टाइफून को राफेल के मुकाबले काफी कम प्राइस पर यहां पे भारत को ऑफर करने की कोशिश करना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर फिर से एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला, क्योंकि राफेल के अलावा यूरोफाइटर अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा था। अगला अपडेट साव की तरफ से, और अभी हम ग्रिपेन के बारे में बात नहीं करने वाले। रिसेंटली साब की मार्केटिंग डायरेक्टर ऋतुराज त्यागी की तरफ से बताया गया था कि अभी साब इंडिया की तरफ से HAL के साथ टाइप करके इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस एड सूट को डेवलप करने का फैसला किया गया। इसके लिए साब इंडिया की तरफ से HAL के साथ इन सिस्टम की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा रहा है और साथ ही आगे चल के साब की तरफ से अपनी इंटीग्रेटेड डिफेंसिव एड सिस्टम की फ्यूचर वर्जन को भी HAL के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलपर मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया गया है। अभी भी इन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। अभी की जो इंटीग्रेटेड डिफेंसिव एड सिस्टम है वो IDS-2 है यानी कि इसकी सेकेंड वर्जन है, लेकिन आगे चल के इसके Mark-3 वर्जन को भी भारत के साथ जॉइंटली मिलकर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको फ्यूचर में वर्तमान के IDS सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन सिस्टम की बात करें तो एक तरीके से रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर का कॉम्बिनेशन है, जो कि पायलट को सही तरीके से काउंटर मेजर्स को लॉन्च करने में मदद करता है और पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करता है कि उसके ऊपर किस टाइप के रडार से लॉक किया जा रहा है या किस टाइप की मिसाइल से उसके ऊपर लॉन्च किया गया और उस हिसाब से उसकी कौन सी काउंटर मेजर सिस्टम को वहां पे लॉन्च करना चाहिए। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके, आप सब जानते हैं कि श्रीलंका के इंटरनल हालात अभी बहुत ही खराब है और पूरे देश में क्राइसिस चल रहा है। इसी बीच भारत की तरफ से रेगुलर बेसिस पर श्रीलंका की मदद किया जा रहा है। इस अवसर पर पहली बार श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि भारत की तरफ से किए गए मदद की वजह से श्रीलंका अभी आने वाले 4 महीने तक अपनी देश के लिए जरूरी फ्यूल को खरीद पा रहा है और अभी भारत की तरफ से जो लाइन ऑफ क्रेडिट को श्रीलंका को दिया जा रहा है उसकी मदद से वो आने वाले 4 महीनों तक आराम से अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। इसके साथ भी भारत की तरफ से अभी श्रीलंका को LPG शिपमेंट को भी भेजा जा रहा है, जो कि शायद श्रीलंका में पहुंचने के लिए अभी और भी 14 दिन तक लग सकते हैं और इनको श्रीलंका वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। अभी भी श्रीलंका के पास अपनी डिमांड के मुताबिक सफिशियंट मात्रा में फ्यूल नहीं है और अगर पूरे देश की डिमांड की बात करें तो उसके मुकाबले श्रीलंका के पास अभी बस 50% फ्यूल ही बचा हुआ है और ये बस आने वाले 7 दिन तक ही चलने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह कि कल तक 40,000 मेट्रिक टन की शिपमेंट श्रीलंका पहुंचने वाली है। इस बात को लेकर अभी पूरे दुनिया भर में और यहां तक कि चाइना की तरफ से भी भारत का प्रशंसा किया जा रहा है
और अभी यूएस की तरफ से भी भारत की प्रशंसा किया जा रहा है और बताया गया कि क्वाड के अंदर अगर इंडो पैसिफिक में कोई इस तरीके की प्रोएक्टिव रोल को निभा सकता है तो वो भारत है। और आगे भी भारत को अपनी इन्फ्लुएंस को इसी तरीके से बरकरार रखने के लिए क्वाड की तरफ से कहा गया और इसमें अभी सभी क्वाड कंट्रीज को इन्वॉल्व होने के लिए यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया। अभी रेगुलर बेसिस पर भारत से श्रीलंका में सप्लाई भेजा जा रहा है जिसमें हर तरीके के सामान मौजूद है, यानी कि खाने पीने के सामान से लेकर फेल तक और मेडिकल सप्लाई तक को भी भारत श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की इस हालात के लिए काइंड ऑफ जिम्मेदार चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से श्रीलंका को अपनी लोन को चुकाने के लिए जो टाइमलाइन दिया गया था उसे थोड़ा सा भी एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया गया था। वैसे ये इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले सभी आइलैंड देशों के लिए एक आंख खोलने वाली सिचुएशन होने वाली कि चाइना का साथ देने से उनके हालात कैसे हो सकते हैं और अगर वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को अपने देश में बढ़ने देंगे तो आगे चल के उनको किस तरीके का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अगला अपडेट रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए अग्निपथ स्कीम को लेकर और इस स्कीम की लॉन्च होने के बाद देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिबेट वहां पे छिड़ गया है और कई वेटरन्स की तरफ से इस स्कीम का विरोध किया जा रहा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या इंडियन आर्मी की तरफ से भी अभी इस स्कीम को डिफेंड किया जा रहा है। इसमें जो वेटरन्स है उनका ये मानना है कि अभी इससे आर्मी की ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ सकता है, जबकि हमारे वर्तमान की आर्मी चीफ की तरफ से इस बात का जवाब देते हुए कल बताया गया था कि नहीं, इसका आर्मी की ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, उल्टा इसमें आर्मी के रिटायर होने की जो एवरेज एज है उसको 5 साल तक रिड्यूस किया जा सकता है। और इस अवसर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक अच्छी खबर दिया गया था जिसमें बताया जा रहा कि आगे चल के जो भी लोग आर्मी की इस अग्निपथ स्कीम से रिटायर होंगे तो उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में और असम राइफल्स में सीधे तौर पर इंडक्ट किया जाएगा और इसमें उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि आर्मी से रिटायर होने के बाद जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल किया जा रहा था तो वहां पर उनको कुछ हद तक सप्लीमेंट किया जा सकता है और ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि इसमें जवानों को वही एटमोस्फियर मिलने वाला है, काइंड ऑफ सेम टाइप की जॉब मिलने वाला है जिससे वो 3 से 4 साल पहले से करते आ रहे और इससे उनकी लाइफस्टाइल पर भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। आप सब पहले से ही पाकिस्तान की हरकत के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे जो कि फिलहाल श्रीलंका से थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करता है और शुरू से ही भारत अफगानिस्तान में एक कंस्ट्रक्टिव रोल को निभाता आ रहा है। इसी बीच भारत की तरफ से रेगुलर बेसिस पर अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजा जाता है और अभी भारत रेगुलर बेसिस पर अफगानिस्तान में व्हीट या गेहूं को सप्लाई कर रहा है। अब अफगानिस्तान और भारत के बीच कोई डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं है जिस वजह से भारत या तो ईरान की छवाहर पोर्ट के थ्रू या पाकिस्तान के अंदर से होते हुए बायलैंड अफगानिस्तान को व्हीट को सप्लाई कर सकता है। बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से पाकिस्तान भारत के शिपमेंट को अपने देश के अंदर से होते हुए अफगानिस्तान जाने नहीं दे रहा था लेकिन अभी पाकिस्तान भारत को अपने देश के अंदर से होते हुए अफगानिस्तान के लिए व्हीट को सप्लाई करने के लिए इजाजत दे चुका है। लेकिन अभी अफगानिस्तान की तरफ से भारत को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उनको अगर कोई शिपमेंट भेजा जाए तो उसको पाकिस्तान के अंदर से ना भेजा जाए क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से जो व्हीट शिपमेंट अफगानिस्तान के लिए भेजा जा रहा है उसको बीच में पाकिस्तान चोरी कर रहा है और पिछली बार जो शिपमेंट भारत की तरफ से पाकिस्तान को ओवरलैंड भेजा गया था वो पूरी शिपमेंट पाकिस्तान ने चोरी कर लिया। लगभग 2000 या 2500 मेट्रिक टन वेट में से एक भी दाना अफगानिस्तान नहीं पहुंचा है और इसलिए वो अभी भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे चल के उनको अगर कोई वेट शिपमेंट भेजने की कोशिश की जाएगी तो उनको ओवरलैंड भेजने के बदले सीधे छवार पोर्ट के थ्रू ही उनको शिपमेंट भेजा जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।